तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि मैं निकल पाता हूँ कि नहीं इस प्रिजन से। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि एंट्री 303 ने मेरे को जेल में डाल दिया और कहा था कि तन में वापस आएगा। तो गाइस मैंने चैट में लिख दिया तन में मैं जेल में हूँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, जो भी लिख दिया। सॉरी गाइस, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं चैट में लिख तो दिया, आप देखते हैं तन में आता है कि नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली तन्मय हमारे सामने आ चुका है, उन्हें MLG करी, दो बार मरा, फिर वापस आया। वो मैं दिखाया नहीं कि यार इसका यार रोना आ जाता है मेरे को देख के किसी को। एंड अगर अभी रात हो रही होगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैंने कहा बैड रॉक से एकदम चर्च लगाई हो, तो मैं और तन्मय और मैं वेरी खुश हो गए यार, मैं निकल आया गाइस जेल से। एंड इस जेल को मैं तबाह कर दूंगा, एक एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा। बेड रॉक तो टूट नहीं सकता, बेड रॉक तो लगा ही रहेगा, बाकी ये सब तोड़ दूंगा। एंड ऊपर से अगर जो नीचे बिना MLG के गिरा खत्म है, तो हम लोग वाटर बकेट MLG करते करते पहुँचते हैं ऊपर। मैं पहुँचने के बाद मिलता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो गाइस मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, अंतन में मेरे साथ सामने खड़ा है, तो मैं उससे कुछ बातें करने लगा और मैं बताऊंगा मैंने क्या बातें करी। मैंने उससे पूछा तो इतने दिनों से क्यों नहीं आया, तो उसने कहा था कि एंटिटी 303 मेरे को कहीं छुपा के रखा था, और मैं जब आपने बोला था कि तन में आएगा कि नहीं, तो उसने उसकी वजह से मतलब उसकी मिस्टेक की वजह से ये बाहर निकल गया। तो गाइस उसके बाद मैंने तन्मय से काफ़ी बातें करी एंड मैंने पूछा तू इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा, तो कह रहा यार एंटिटी 303 ने मेरे को छुपा के रखा था कि हिमांशु तेरे को देखे ना। तो मैंने उसे 3-4 फटके दिए और मैंने कहा अच्छा झूठ बोलेगा, कह रहा नहीं नहीं यार मैं पेपरों के कारण नहीं आ पाया, पढ़ाई का अच्छी करता हूँ ना। तो उसके बाद गाइस मैं इधर खड़ा हुआ एंड उसने मेरे को बोला कि मैंने चैट में कुछ लिखा है, तो मैंने सोचा क्या लिखा होगा यार, क्या लिखा होगा, आई डोंट नो। पर इसने लिखा था कि मेरे सीक्रेट बेस चलो, तो आई वॉज लाइक यार रेडी है चलो। तो गाइस मैं सोचा यार ये मेरे को मारना थे ले जाके, पर मैंने कहा चलो 3-3-3-3-2-3-2-1 स्टार्ट। तो हम लोग गाइस पहुंच गए हैं इसके बेस में और ओ भाई साहब, तो दो डायमंड के आर्मर। अबे तूने इतनी माइनिंग कर ली थी मेरे साथ, आयरन की चल मैं मान सकता हूँ, पर डायमंड के दो आर्मर और डीप स्लेट चल हो जाएगा। और तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं। भाई चार्जर लेके आ मोबाइल से चॉप।